सेंट पॉल मिनेसोरा, 12 जून 2018। स्पाइडरमैन के एक सीन की तरह शहर के निवासी हैरत में हैं क्योंकि हमारा एक हीरो 25 मंजिला ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करता है, लेकिन ये सुपर हीरो एक रकून है। जैसे जैसे ये इमारत पर ऊपर चढ़ता है, ये साल की सबसे बड़ी एनिमल स्टोरी बन जाती है। वो यहीं पर है, सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो बिल्कुल सीधी सतह पर असंभव चढ़ाई कर रहा था। जिसने भी ये मंजर देखा वो हैरान रह गया। मैं ये नहीं देख सकती, मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। हमारा रकून इस ऐतिहासिक चढ़ाई से खुद को रोक नहीं पा रहा है। इमारत के ऊपर चढ़ाई के दौरान उसे खिड़की पर बैठकर झपकी लेते देख अंदर ऑफिस में काम करने वालों को राहत मिली। यहाँ इस दीवार पर एक रकून है। ये चढ़ाई उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। क्या तुम आराम करने जा रहे हो? आराम से बैठो, लंबी सांस लो। ये एक बहुत ही ज्यादा ऊंची इमारत है और इसकी चढ़ाई तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। इतनी लंबी कि उसे 16वीं मंजिल तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। इतने समय में तो रकून की चढ़ाई वाली खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये एक इंटरनेट सनसनी बन गया है क्योंकि ये किसी भी जानवर के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। प्रशंसकों ने रकून को नाम दिया रॉकेट। जल्द ही उसके नाम का ट्विटर अकाउंट भी बन गया। उसकी कहानी सबकी जुबान पर थी। लेकिन रॉकेट ऐसा रोमांचकारी काम करने वाला इकलौता नहीं है। उसी साल एक और रकून सफलता से ऊंची क्रेन पर चढ़ गया। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, घर की छतों और बिजली के खंभों पर चढ़ने के कई मामले सामने आए हैं और सबूत के तौर पर उनके वीडियो भी मौजूद हैं। इस साहसिक व्यवहार की वजह से कुछ लोग रकून को प्रकृति का निंजा कहते हैं। इस रकून ने तय किया कि उसे चढ़ाई पसंद नहीं आई और वो कूद गया। किस्मत से रेत की लैंडिंग ने उसे बिना रुके भागने दिया। वास्तव में रकून 130 फुट की ऊंचाई से छलांग मार सकता है, लेकिन 300 फुट पर रॉकेट को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तुम इसे कर सकते हो रॉकेट। इन रकून्स ने आखिर इतनी ऊंची जगहों पर चढ़ना शुरू क्यों किया? ये पता लगाने के लिए हमने रकून विशेषज्ञ सुजैन मैकडॉनल्ड की मदद ली, जो टोरंटो में रहती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक रकून वाले शहरों में से एक है। रकून लगभग सभी जगहों पर चढ़ने में सक्षम है, इसलिए वो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, वो मेटल के खंभों पर चढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि घरों की दीवारों के सहारे छत पर। ये ऐसे कई काम कर सकते हैं जो अन्य प्रजातियाँ नहीं कर सकती हैं। तो रकून का शरीर बहुत ही मजबूत और हाथ ताकतवर होते हैं, जो हमारे खुद के हाथों जैसे ही होते हैं। उनके पास हमारी तरह पकड़ बनाने वाले अंगूठे तो नहीं है, पर उनके पास लंबी उंगलियां हैं। और ये लंबी उंगलियां इन्हें उन चीजों तक पहुंचने में मदद करती हैं जो असंभव लगती हैं। ये ऊंची बिल्डिंग हमें भले चिकनी लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में एक पथरीली सतह है, तो एक रकून की पकड़ के लिए बहुत सही है। ओ प्यारे बच्चे। और रकून के पास एक और असाधारण कौशल भी है, जो उसे एक निडर कलाबाज बनाता है। रकून असामान्य है क्योंकि उनमें अपने सिर को पहले नीचे लाने की क्षमता है। बिल्लियां ऐसा नहीं कर पाती और इसलिए हम हमेशा बिल्लियों को पेड़ों पर अटके हुए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा डेयरडेविल रकून कैसे गगनचुंबी इमारत पर चढ़ सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्यों? नहीं 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 नहीं, अरे बेचारा। जंगली रकून उसी चढ़ने के कौशल का उपयोग पेड़ों पर चढ़ने या यहाँ तक कि चट्टानों पर चढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर रहना पसंद है। तो कहीं वो गर्भवती तो नहीं है और इसीलिए अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ढूंढ रही है। रकून आमतौर पर वसंत में जन्म देते हैं और ये जून का महीना था, इसलिए वो गर्भवती नहीं हो सकती थी। लेकिन शायद वो अपने अन्य बच्चों को ढूंढने के लिए इमारत पर चढ़ रही थी। खैर, हमारे रकूनोलॉजिस्ट को रॉकेट के ममता भरे उद्देश्यों पर शक है। मैं तुरंत बता सकती थी कि वो एक नर्सिंग माँ नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर इसको फॉलो कर रही थी और मैं उसे तब से देख रही हूँ जब वो बड़े आराम से खिड़की पर बैठी थी, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बच्चा था। क्या ये रकून बस घर जा रही थी?
शहरी रकून ने शहर के 3 खंडों में लगभग 1 दर्जन से अधिक मांदे बनाई हैं। तो क्या इस रकून ने इस ऊंची बिल्डिंग की छत पर घर बना लिया था? रकून मूल रूप से किसी भी चीज में अपनी मांद बना सकते हैं, कैसे भी अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। वो खलिहान, सीवर, कारों में डेरा जमाने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर ये ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं? लेकिन क्या एक रकून इतनी मुश्किल जगह को चुनेगा? हमारे विशेषज्ञ ऐसा नहीं सोचते। 25 मंजिला बिल्डिंग की छत पर किसी भी प्रकार से एक रकून को रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये रकून्स के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्हें जमीन के बहुत करीब रहने की जरूरत है। इसलिए उसके वहाँ जाने की कोई और वजह रही होगी। क्या वो खाने की तलाश में जा रही थी? ध्यान रहे, जब पहली बार रकून को देखा गया था तो वो सिर्फ 2 मंजिला इमारत के बगल की इमारत पर थी, जहां वो कबूतर के अंडे की तलाश कर रही थी। जबकि ग्रामीण रकून्स इस हाई प्रोटीन स्नैक को पसंद करते हैं, जो उनके शहरी भाइयों की तुलना में ज्यादा आसान लगते हैं। शहरी परिस्थितियों में रकून को एक चीज से बहुत लगाव है, और वो चीज है कचरा। उन्हें हमारा कचरा पसंद है। इसमें उन्हें लगभग हर वो चीज मिल जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और इसी वजह से कचरे के उनके प्यार ने उन्हें एक उपनाम भी दिया है, कचरा पांडा। रकून सब कुछ खाते हैं, इसलिए वो हाई फैट वाले खाने को पसंद करते हैं। उन्हें हाई प्रोटीन खाना पसंद है। वो जो कुछ भी पाते हैं उसे खा सकते हैं। चाइनीज फूड, पिज्जा, किसी भी तरह की कुकीज, केक, कुछ भी जो हमें टेस्टी लगता है वो उन्हें भी टेस्टी लगता है। ये कैट फ्लैप के माध्यम से घरों में घुसते हैं, कारखानों में भी खिड़कियों से अंदर आ जाते हैं। ये डंपर्स पर चढ़कर कचरे से खाना चुरा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि जानवरों की दुनिया में इनसे अधिक मौका परस्त कोई और होगा। इस बात को साबित करने के लिए सुजैन ने अपने बैकयार्ड में कूड़े के ढेर के साथ कूड़े के डिब्बे को फंसा दिया है। तो ये है मेरा फेवरेट रकून, जिसका नाम है फैटी। इसे पसंद करने की खास वजह है, और फैटी कचरे के डिब्बे में जाने की कोशिश कर रहा है, और परिणाम रकून की समझदारी को दर्शाते हैं। तो फैटी ने ये पता लगा लिया है कि कैसे कचरा पेटी के ढक्कन को हटाते हैं। फैटी को ढक्कन मिल गया है, अब सबसे पहले फैटी को उसे हटाना होगा। तो हटाते ही आप देख सकते हैं कि फैटी कैसे इसके अंदर चला गया है। हमारे बचे हुए खाने के लिए रकून का प्यार उन्हें एक महंगा जीव बनाता है, जो एक उच्च तकनीक की सुरक्षा की मांग करता है। इसलिए टोरंटो के अधिकारियों ने $3 करोड़ से अधिक की लागत से एक रकून प्रूफ बिन को डिजाइन करने के लिए सुजैन की मदद ली। कुछ रकून 48 घंटे के भीतर डिब्बा खोल देते थे। ये आसान काम था या इंसानी कमी थी ये नहीं पता, लेकिन हमें रकून के बारे में जरूर पता है। वो एक प्रकार के छोटे शहरी योद्धा हैं, और साथ ही साथ इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। इन्हें पता होता है डिब्बे में कैसे जाना है, मानो जैसे वो शहर के लिए ही बने हों। तो क्या हमारे डेयर डेविल रकून खाने की तलाश में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? इसलिए शहरी रकून्स को उस कठिन काम को करने की जरूरत नहीं है। उन्हें खाना खोजने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो ये बात साफ नहीं है कि वो वहाँ पर क्या करने गई थी। रॉकेट खाने की तलाश में नहीं थी, वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए भी नहीं जा रही थी, न ही वो नए घर की तलाश कर रही थी। तो क्या वो सिर्फ मजे के लिए चढ़ रही थी? मुझे चक्कर आने वाला है। बहादुरी के 20 घंटे के प्रदर्शन में मिनेसोटा रकून 25 मंजिला इमारत पर चढ़ रही है। तो ऐसा क्या है जो रकून को इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए हिम्मत दे रहा है? इसका जवाब उनके डीएनए में है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि शहरी रकून एक अलग उप प्रजाति में तेजी से विकसित हो रहे हैं, जो समस्याओं और उनसे निपटने के एक असाधारण मेल का सीधा परिणाम है, जो कि जंगली रकून में आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब वो वास्तविक रकून से एकदम अलग हो चुके हैं। शहरी वातावरण में हम जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं उसे बनाए रखने के लिए हम नए फैंसी लॉक को खरीदते हैं, लेकिन ये पता लगा लेते हैं कि उन नए फैंसी लॉक्स को कैसे खोलना है। हमें लगता है कि हम उन्हें रोक लेंगे, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर ले वो उनसे निकल आते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने समझदार हैं। तो रकून्स को रोकना इतना भी आसान नहीं है। रकून शहरी वातावरण में जल्दी ढलते हैं। वो बोल्ड हैं, चालाक हैं और बहुत ही ज्यादा समझदार। इस मामले में
ये रकून कैसे अपनी स्टंटमैन तकनीक का इस्तेमाल एक रकून प्रूफ बर्ड फीडर पर करता है। अरे देखो उसने पकड़ लिया है। मुझे देखना है कि क्या ये वाकई में इसे बंद कर सकता है। जरा देखो तो उसे खोल रहा है, वो कोशिश कर रहा है उसे खोलने की। क्या बात है, वो देखो खुल गया। ये तो वाकई जीनियस है। और विशेषज्ञ सूजन मैकडॉनल्ड के अनुसार इस नई रकून सुपर प्रजाति में एक ऐसी विशेषता है जो असंभव को संभव बना देती है। ज्यादातर जानवर नियोफोबिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें देखते ही डर जाते हैं। शहरी रकून इसके बिल्कुल उलट हैं। वो नियोफिलिक हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें नई चीजें पसंद हैं। जब वो कोई नई चीज देखते हैं तो वो उसके पास जाते हैं और उसका पता लगाते हैं। नियोफिलिया का अर्थ है कि वो जोखिम उठाकर बहुत खुश हैं, और इसने उन्हें काल्पनिक रूप से शहरी वातावरण के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाया है। माफ करना पर मुझे इसे देखना है। विशेषज्ञों को शक है कि कहीं नया करने की चाह ने तो उसको 25 मंजिला चुनौती नहीं दी। उसके नियोफाइल का मतलब है कि वो मौका नहीं छोड़ सकती। इस छोटी रकून के दिमाग में बस यही आया होगा कि मुझे चलते रहना है। उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि मुझे ऊपर तक पहुंचना है। और आखिरकार सुबह करीब 3 बजे वो वहां पहुंच जाती है। शुक्र है कि उसे वापस नीचे नहीं उतरना है। एक बार उसके 20 घंटों के कड़ी मेहनत के बाद इस 25 मंजिला बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। उसे तुरंत पशु विभाग ने नियंत्रण में ले लिया और उसे कम खतरे वाले स्थान पर भेज दिया गया। मुझे जानकर खुशी हुई कि वो ऊपर तक पहुंच गई। मैं टीम रकून के साथ हूं, यही सच है। एक रकून की ताकत है कि वो अपने द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करना पसंद करते हैं। असल में रकून का जानवरों की दुनिया में एक अलग ही महत्व है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकते। लेक बेमिजी, मिनेसोटा, जुलाई 2018। एक मादा बतख अपने बच्चों को लेकर पानी के पार जाते हुए दिखी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात भी है। इस बतख के पीछे पीछे करीब 80 चूजे तैर रहे हैं। पूरे 76 बतख के बच्चे। खैर ऐसा तो नहीं होता, संख्या बहुत बड़ी है। तो क्या ये सभी चूजों की माँ है? यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। ये बिल्कुल पागलपन है, इतने में तो कोई भी थक जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये उसके बच्चे हैं? तो क्या इस डक सुपरमॉम ने 76 अंडे दिए? कुछ प्रजातियाँ इतने बड़े झुंड को पालने पोसने के लायक हैं। जानवरों की दुनिया में स्पॉनर्स के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण हैं, जैसे कि चींटियों की रानी को अपने पूरे जीवन में 30 से 40 लाख अंडे देने के लिए जाना जाता है। जन्म देने वाले कुछ जानवर बड़ी मात्रा में बच्चों को पैदा कर सकते हैं। समुद्री घोड़े अद्भुत हैं। मेरा मतलब है वो जीवित बच्चों को जन्म देंगे जिनकी संख्या 2000 से अधिक होगी, और इस मामले में ये सभी काम नर ही करते हैं। पक्षियों में क्लच के आकार में कुछ सामान्य अंतर होते हैं, तो किसी भी समय घोंसले में अंडों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि शुतुरमुर्ग है जो 50 अंडे दे सकता है, लेकिन सभी एक ही समय में नहीं। ग्रे पार्ट्रिज पक्षियों का एक और उदाहरण है, जिनका क्लच 22 अंडों का होता है, अलग अलग आकार का। तो प्राकृतिक दुनिया में अंडे की परतों और स्पॉनर्स के इन सभी अविश्वसनीय उदाहरणों के साथ, क्या ये संभव है कि ये प्रजाति, खास तौर से ये मादा, इन सभी चूजों की माँ है? लेकिन मर्गैंजर बतख के प्रजनन की दर इस लायक नहीं है। मर्गैंजर प्रजाति में केवल 6 से 12 अंडे होते हैं हर क्लच में, तो इतने सारे बाकी बतख कहाँ से आए? अगर चूजों को एक माँ नहीं रखते तो क्या दूसरा पक्षी जिम्मेदारी ले सकता है? तो ये एक तरीका है कुछ पक्षियों का जो ऐसा अक्सर करते हैं। वो अपने अंडों को दूसरे घोंसलों में डाल देते हैं ताकि दूसरी माएं उनके बच्चों का पालन पोषण करें। ऐसा करने वाले सबसे बदनाम अपराधी हैं कोयल। तो कोयल वास्तव में अन्य पक्षियों के घोंसलों में अपने अंडे देगी और उन माता पिता को अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन कहानी के लिए और भी बहुत कुछ है। दरअसल ये अजीब है कि मौका मिलते ही वो मेजबान के अंडों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। ये सच में काफी डरावना है।
किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने से कोयल के बच्चों का पलना लगभग निश्चित है। उन्हें अलग प्रजाति के पक्षी भी खाना खिलाते हैं जो उनसे अलग होते हैं, क्योंकि अधिकांश पक्षी दूसरों से अपने खुद के बच्चों या अपने खुद के अंडों को नहीं पहचानते हैं, और बतख कोई अपवाद नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में बतख के घोंसलों में 50% तो अन्य बतख प्रजातियों के अंडे ही पाए जाते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा ठग है रेडहेड। ये वास्तव में एक दिलचस्प योजना है, क्योंकि रेडहेड यहाँ क्या करती है, वो आकार देती है कि अन्य मादाएं अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से पाल सकती हैं, और अगर उसे लगता है कि वो उससे बेहतर काम करने जा रही हैं, तो वो अपने अंडे किसी और के घोंसले में देगी। तो क्या इस डक सुपरमॉम को दूसरे पक्षियों के अंडों को सेने का काम मिला है? उसे इन बत्तखों की सुपर माँ बनना होगा, क्योंकि 76 बच्चे एक बत्तख के लिए बहुत सारे अंडे होते हैं। वो इन सब की देखभाल नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अंडे नहीं सेती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चूजों को नहीं पाल रही है। तो क्या सुपर मॉम क्रैश चला सकती है? क्रैश का मतलब फ्रेंच में है नर्सरी। इसका मतलब है कि कुछ वयस्क पक्षी बच्चों की देखभाल करेंगे, जबकि सभी एक जैसे नहीं हैं। तो एक पशु कृषि अपने बच्चों को बड़ा करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। राजहंस ऐसा करते हैं, शुतुरमुर्ग ऐसा करते हैं, और पेंगुइन्स भी। तो क्या हमारी मगांजर बतख के साथ भी वैसा ही हो रहा था? 76 पक्षी एक साथ, मुझे लगता नहीं कि ये एक क्रश है। और वैसे भी वहाँ पर सिर्फ एक माँ है। क्रश का मतलब है ये सारे बच्चे अलग अलग माओ के हैं, लेकिन ये सारे बच्चे एक पक्षी के साथ हैं। मेरे ख्याल से ये पता लगाने के लिए हमें माँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मिनेसोटा के बिमिजी लेक में 76 डकलिंग्स के साथ एक मोर्गेंजर बतख की असाधारण फुटेज कैप्चर की गई है। ये कैसे संभव है कि एक पक्षी के इतने सारे चूजे हों? ये पक्षियों की दुनिया में एक अनोखी घटना है। पक्षियों में एक कमाल की चीज होती है जिसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें वो अपने आसपास किसी भी चीज को चलते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे हो लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी मॉम है। अब ये भी जरूरी नहीं कि वो एक बत्तख हो। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर वो एक डॉग था और उन्होंने उस डॉग का पीछा किया उसे अपनी माँ समझकर। और बेमिजी लेक पर एक असामान्य रूप से लंबी सर्दियों का मतलब था कि चूजों के असली माता पिता ने अपने अंडे सामान्य से बाद में रखे, और जब बच्चों के प्रवास का समय था तभी उनको अलग कर दिया गया। अपने माता पिता के चले जाने के बाद चूजे फिर से एकमात्र बची मादा पर निर्भर हो गए। एक बत्तख साथ साथ घूम रही थी और इन चूजों ने देखा और सोचा कि यही उनकी माँ है, और इस तरह वो उनकी माँ बन गई। तो इन सभी चूजों ने इस मादा को ही माँ माना है और अब उसे माँ के रूप में देखते हैं, और माँ भी उन्हें वैसे ही देखती है। मादा कभी भी दोनों के बीच में भेद नहीं करती जब वो खुद के चूजों और दूसरे पक्षी के चूजों के बीच बन जाती है। ये कमाल है। कार्थेज, इलिनॉय। एक असाधारण फुटेज सामने आई। कुछ भूखी मछलियों को एक पक्षी बीज खिला रही है। हम एक काले सिर वाली कार्डिनल को एक छोटे से तालाब के किनारे देख सकते हैं, और अचानक गोल्डफिश का एक ग्रुप आने लगता है और कार्डिनल उन्हें खाना खिला रही है। उन गोल्डफिश को खिलाने के लिए वो कार्डिनल एक ही दिन में 6 बार लौट कर आई। ऐसा व्यवहार काफी परेशान करता है कि एक गोल्डफिश का भूखा पेट भरने के लिए काले सिर वाले कार्डिनल को कौन मजबूर कर सकता है? इसका सीधा जवाब है कि पक्षी को बदले में कुछ मिल रहा है। इसे आपसी सहजीवन कहा जा सकता है। ये तब होता है जब दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे की मदद करने के लिए जोड़े बनाती हैं। एक सहजीवी संबंध वो है जहां दो जानवर जो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ नहीं रहते पर एक दूसरे के काम जरूर आते हैं। इसके विपरीत, जिसे हम क्लाउन फिश की रक्षा के साथ देखते हैं और बदले में सी एनेमोनीज मतलब जल कुंभी द्वारा बचाया जा रहा है, जैसे कि ऑक्स पेका पक्षी राइनो के पीठ से पैरासाइट्स पकड़ रहे हैं। लेकिन आपसी सहजीवन सिद्धांत के साथ एक समस्या है। पक्षी को इससे कुछ नहीं मिलता और इसीलिए परिभाषा के अनुसार ये सहजीवन नहीं है। और वहाँ एक और गड़बड़ चल रही है। कैसे गोल्डफिश पक्षी के पास वापस आने के बारे में सोचते हैं? गोल्डफिश की मेमोरी केवल 3 सेकंड्स की होती है, तो
तो हर बार उन्हें वापस आना कैसे याद रहता है? खैर, ये पता चला है कि 3 सेकंड वाली बात एकदम झूठ है। उन्हें कम आका गया है, उनकी मेमोरी काफी अच्छी है। वो काफी बुद्धिमान है और जब वो एक फूड सोर्स की पहचान कर लेते हैं तो वो उसे तब तक खाते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। तो गोल्डफिश को याद रहेगा कि मुफ्त का लंच कहाँ मिलेगा। लेकिन पक्षी ऐसा क्यों कर रहा है? जब पक्षी मछली पकड़ सकते हैं तो उन्हें चारा डालकर मछलियों को पकड़ने की क्या जरूरत है? इस सिद्धांत को इस बगुले का समर्थन है जो भोजन के लिए चाल चलना जानता है। वो किनारे पर आकर पानी में रोटी का टुकड़ा डालती हैं और इस तरह वो पानी में चारा डालकर मछली को ऊपर बुलाती हैं और जब मछली ऊपर आती है तो वो उन पर हमला कर उन्हें खा लेती है। ये शिकार करने की अच्छी नीति है, लेकिन 1 सेकंड रुकिए। ये मछलियाँ खाने के लिए उस आकार के पक्षी के लिए बहुत बड़ी हैं। भले ही उनके लिए ये भूख हो, लेकिन पक्षी की ये प्रजाति नहीं है। ये एक बीज खाने वाला पक्षी है जिसे मछलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वास्तव में ये मछलियों का मुंह का आकार और रंग है जो कार्डिनल को एक अनूठा संकेत भेज रहा है। इनका खुला मुंह बिल्कुल कार्डिनल चूजो जैसा दिखता है जो भूखे होते हैं और अपनी माँ से खाना मांग रहे होते हैं। तो इसे देखकर ये पता चलता है कि ये पक्षी इन गोल्डफिश को अपने चूजे मान चुका है और माता पिता की तरह उन्हें खिला पिलाकर अपना फर्ज निभा रहा है। जो हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि विशेष रूप से काले सिर वाले कार्डिनल के दिल में बहुत प्यार है और ये इन छोटी मछलियों की देखभाल करना चाहता है जैसे वे उसके खुद के बच्चे हों। दो प्रजातियों के बीच ऐसे प्यार को देखने में एक अलग ही मजा है।